लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज किए जाने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने एक नोट एक वोट अभियान की शुरुआत की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में अब जनता से चंदा इकट्ठा कर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक वोट एक नोट अभियान की शुरुआत भोपाल के रोशनपुरा चौराहे से की। इस अभियान में उनके साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। जीतू पटवारी ने कहा, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि ना मैं खाऊंगा और ना किसी को खाने दूंगा। स्विस बैंक में जो काला धन है वह कांग्रेस के नेताओं का है। वह काला धन जनता के खाते में 15-15 लाख मुफ्त में दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी कांग्रेस के खाते सील कर दिए गए हैं और जितना पैसा था उनमें से 50% सरकार के खाते में डलवा दिए। इसी को देखते हुए हम आज एक वोट एक नोट के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के खाते में पैसा जमा कर रहे हैं और जनता के हित में चुनाव लड़ेंगे। 6,500-7,000 करोड़ रुपए के बांड से पैसे इकट्ठे कर लिए। किससे किए? 141 लोगों पे ईडी के छापे डाले, 121 बीजेपी में चले गए साफ। ईडी के छापे डाले 30 कंपनियों पर, उनसे सबसे चंदा ले लिया बॉन्ड के जरिए। जितने कॉन्ट्रैक्ट दिए सबसे चंदा ले लिया बॉन्ड के अंतर्गत। अद्भुत उगाही है चंदे का धंधा, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी ने किया और दूसरी तरफ कांग्रेस का खाते सील कर दिए। मैं मानता हूं यह आर्थिक अराजकता है, नरेंद्र मोदी जी का डर है। हम जनता से प्रार्थना कर रहे हैं, कांग्रेस जनों से मेरा आग्रह है, जब भी वो चुनाव में प्रचार करने जाएं तो वोट के साथ एक रुपया भी मांगे। एक वोट और एक नोट, ये हमारे अभियान है। मैं मानता हूं, मैं मैडम से आग्रह कर रहा हूं कि आपने सुनी होगी मेरी बात। थैंक यू, धन्यवाद। खातों को सीज कर दिया, इसके बारे में हमने एक बैठक बुलाई और कार्यकर्ता बड़ा उत्साहित है। कार्यकर्ता कहता है, अरुण भैया चिंता मत करो, हम एक एक रुपए देकर चुनाव लड़ाएंगे। ये चुनाव कार्यकर्ताओं का है और चुनाव कार्यकर्ता लड़ेगा। आम जनता का है, जनता के लोग हमारे साथ हैं। जो इस समय हमने अभियान शुरू किया है, जनता का बहुत बड़ा उफान है हमारे बीच में। वो हमको पैसा देगी और चुनाव लड़ाएगी और ये चुनाव भोपाल जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी और नरेंद्र मोदी की तानाशाही तो खत्म होगी। 3 हथियार बनाए, ईडी, सीबीआई, अब इनकम टैक्स का हथियार है, तीसरा हथियार भी जनता फेल करके रखी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।